शुक्रिया, कम टाइम पे आप लोग यहाँ पे आए। इस ठंड में हमें मुख्तसर दो या तीन इश्यूज पे बात करनी है, ज्यादा लंबी बात करनी नहीं है। नंबर एक, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और लीगैलिटीज में बिलीव करते हैं और लॉ में बिलीव करते हैं। सो यहाँ पे जो ये कुछ लोग यहाँ की सरकार वगैरह, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस तरह कदम ना लगाएं हमारे दफ्तरों के बाहर। पुलिस का लोगों से पूछे कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात करनी है, किस पर बात करनी है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी साइन नहीं बनती है। और मैं इतना ही कहूँ आपसे आज, क्योंकि मैं आपसे खुद सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 370 के बारे में, उसके बाद मैं पहली दफा कश्मीर आया हूँ। हालांकि इसके पहले हमने दिल्ली में एक राउंड टेबल किया जिसमें डॉक्टर फारूक साहब थे, एमपीज थे, हमारे लीगल लिमिनरीज थे, और उसमें यही बताया गया जो आज मैं आपकी वसादत से, मेरे अपने साथी यहाँ पे बैठे हैं सारे, उनकी वसादत से, आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को ये बात हम दोबारा कहने जा रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है 11 अगस्त को, उस जजमेंट को यहाँ के हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल लिमिनरीज हैं, उस जजमेंट को उनके मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं और ये जुडिशियल स्क्रूटनी जब की होगी ये शायद उसमें उसको पार नहीं कर पाएगी। सो उसके हिसाब से हमने ये आपस में ये फैसला किया कि इस पर एक लीगल पिटिशन तैयार की जाएगी, और उस पिटिशन को तैयार होने में एक आध हफ्ता और लग सकता है। उसको पिटिशन को वो जो हमारी तरफ से तैयार हो रही है, जो इसके पिटिशनर्स थे राधा कुमार जी, कपिल काक साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके वहां पे जो भी और हमारे पेटिशनर्स हैं उनकी तरफ से जो दायर की जा रही है, ये इस पेटिशन को बाज़ाब्ता तौर पर तैयार होकर तमाम जितने भी हमारे 23 मेम्बरान थे जिन्होंने ये पेटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उनकी लीगल टीम्स के सामने में रखा जाएगा। क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि इसमें इस जजमेंट में बहुत से फ्लॉज हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर खुलेआम कहा है, और इसमें फिर देखा जाएगा, हमारी लीगल टीम्स बैठ के वो देखेंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे आईन ने, अपने हिंदुस्तान के आईन ने, यहाँ के लॉज ने ये परमिट किया है कि अगर आपको किसी जजमेंट के साथ अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसके उसके लिए और दरवाजे खुले हैं, तो उस पर चाहे वो रिव्यू किया जाएगा या उस पर अपील की जाएगी, अपील के बाद उसके पास क्यूरेटिव दूसरा मामला होता है, कैसे होगा ये जब ये पिटिशन रेडी होगी, ये उसका हमारी लीडरशिप बैठेगी और लीडरशिप के साथ साथ ये इस 23 पार्टीज के जितने भी लीगल लोग हैं ये बैठकर फिर फाइनली फैसला करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन। मैं इतना ही इसमें ये कहूंगा कि जिन लोगों के पास कलेजा है, जो जिगर रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये काम उनके लिए है और हम ये काम अंजाम देते रहेंगे। अभी एक ये लीगल बैटल शुरू हुआ है, 370 कहीं मरा नहीं है। आपने जजमेंट दिए हमारी सर आंखों पे, मगर उसमें हम समझते हैं कि उसमें फ्लॉज हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाएगा। और जो लोग इन पिटिशन में हमारे साथ पहले शामिल नहीं थे, हमारी तरफ से उनको भरपूर दावत है कि आइए साथ शामिल हो जाइए, जिगर रखिए, कलेजा रखिए, ईमान रखिए, क्योंकि ये मामला जो है ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का मामला है, यहां की वहदत का मामला है, हमारे अगली नस्ल का मामला है। जम्मू कश्मीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित गुजर बकरवाल पहाड़ी इन सब का मामला है, ये मामला है, ये छोटा मोटा किस्सा नहीं है।
और ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें ये भी देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हमारे जो जो जिस पर साइन हुआ था, क्या जो इस तरीके की जजमेंट आई है, क्या उनको वो आर दे नॉट डेरोगेटेड टू दैट व्हाट हैपेंड इन 1947। ये बड़ा ही एक सीरियस इश्यू है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। हम कोई वहदत को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला है। हाँ, ये भी बताया गया है, लीगल एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ और जो फैसला 11 दिसंबर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने उसको शायद मंजूर नहीं किया है। सो इस पर एक प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें पीएचडी की तरफ से अब दोबारा उसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसकी मीट होगी। और क्योंकि लास्ट हमारी जो बात हुई थी दिल्ली में, उस पर भी ये बात हुई, हाँ इस पर मिल बैठकर बात किया जाएगा और उस पर बात होगी। उसके अलावा इसमें मैं आज एक और इजाफा करना चाहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी 2018 में। उस वक्त हम सब जम्मू कश्मीर के लीडरशिप से मिले थे, मैं दिल खुशी खुद उस टीम को लेकर बीजेपी के हेडक्वार्टर में उनके प्रेसिडेंट से मिला था कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो खींचा आप कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को देखकर, यहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आप जो 1500 साल 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है उसको देखकर, सो जो मैं पहले की बात कर रहा हूं, सो आज दोबारा चूंकि ये मामला पीएचडी का मामला है, उस पर बात होगी अब आइंदा। उसके साथ साथ में एक सिविल सोसाइटी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वो 17 नंबर की, आज मैं आपके सामने उन नामों का ऐलान करूंगा, वो भी इस पर काम करेगी, पीएचडी के साथ शाना बशाना काम करेगी। और उनका काम यह होगा कि पूरी जो हमारे मुल्क की जो सियासी लीडरशिप है, चाहे अपोजिशन है या रूलिंग पार्टी है, उनके साथ बैठकर बात किया जाएगा कि भाई मामला एक्चुअल ये है, हिस्ट्री ये कहती है, जिन पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने ये स्पेशल स्टेटस दिया कश्मीर की ज्योग्राफिकल और उसकी जो जो, जो, जो उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसको देखकर जो ये मामला है, इसको जो आपने राइट फ्रॉम 1953 आज तक उसको आप हटाते गए, सो यूनिलैटरली आप लोगों ने फैसला दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको नहीं कहा करने के लिए। सो जो ये इश्यूज हैं, ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, उनको देखकर ये 15 मेंबर्स की ये कमेटी होगी, ये इसका हम ऐलान आज करेंगे और वो काम करेगी इस पर। ये एक बात थी। दूसरी बात जो अहम बात है, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं यहां पे जो सुरनकोट का अभी जो मामला हुआ है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पर गए, उन्होंने बातचीत की, सब कुछ किया, दिलासा दिया, आश्वासन दिया, 30 लाख वो मुआवजा देंगे, नौकरियां देंगे। मगर सर, हम यहां से आपसे जम्मू कश्मीर के लोग एक ही चीज मांगते हैं कि इसमें एक चीज हो जरूर, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन लोगों ने ये इतना ऐसा एक एक जो इश्यू सामने लाया कि आपने गलत चीजों का इस्तेमाल करके, मिर्चियों का इस्तेमाल करके, थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करके, आपके कस्टडी में 5 आदमी की जान चली गई, उसका आपने एक जिक्र जरूर करना है, इनको बाजाबता तौर आर्मी के रूल्स के तहत कोर्ट मार्शल लगना चाहिए, कोर्ट मार्शल के बगैर चारा नहीं है। ये दूसरी चीज है। तीसरी हमारी यहां से जो डिमांड, ये हमारी यहां से जो बात होगी, जो आइंदा के लिए आपने जो अभी मैंने कहा 5 अगस्त 2019 और 11 दिसंबर 2023, इसका जवाब यहां के जम्मू कश्मीर का आवाम आपको, जब भी यहां पर आप इलेक्शन करने जा रहे हैं, चाहे अभी आपका पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा या उसके बाद आपको अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपको जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपको, हम पूरे पूरे उम्मीद हैं, आपको जवाब देंगे कि 5 अगस्त 2019 का भी फैसला और 11 अगस्त
11 दिसंबर 2023 की जो जजमेंट है जम्मू कश्मीर की आवाम उसको रद्द करती है। सो इसमें हमारा काम होगा, एक तरफ पीपल्स पावर इज द सुप्रीम पावर, वो आपका फैसला आपको देंगे, दूसरी तरीके जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है टू चैलेंज अ जजमेंट इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अलाउड अस टू गो अहेड एंड टेक सच स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरीके से पहले इसके पहले जो जजमेंट्स आई थी 13 मेंबर उस बेंच में थे, उस बेंच में अपहोल्ड किया था आर्टिकल 370 को, उसी तरह आज आपने उसको रद्द कर दिया। यही सुप्रीम कोर्ट आइंदा इसको दोबारा अपहोल्ड कर सकती है, यह हमारा मानना है।